Today we will do next topic from LPG reforms globalization meaning globalization means the process of increased interconnectedness and interdependence among countries economies cultures and people around the world it involves the exchange of goods services ideas and information across national borders leading to a more integrated and interconnected global society ग्लोबलीकरण का मतलब है दुनिया भर में देशों अर्थव्यवस्थाओं संस्कृतियों और लोगों के बीच बढ़ती हुई जुड़ाव और आपसी आवश्यकता इसमें राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल, सेवाएं विचार और जानकारी का आदान प्रदान शामिल होता है जिससे एक अधिक एक एकीकृत और जड़बद्ध वैश्विक समाज का निर्माण होता है नाउ लेट्स फोकस ऑन ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन एक डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन रिफर्स टू द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम्स इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस वर्ल्डवाइड शिक्षा में ग्लोबलीकरण उद्दीपकों संस्थाओं और प्रथाओं की दुनिया भर में बढ़ती हुई जुड़ावट और आपसी आवश्यकता का निरूपण करता है दो एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन It involves the exchange of knowledge, ideas, technology, and educational resources across borders. ये सीमाओं के पार ज्ञान विचार प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक संसाधनों के आदान प्रदान को शामिल करता है तीन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करिकुलर एंड टीचिंग मेथड्स। दिस लीड्स टू द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करिकुलर टीचिंग मेथड्स एंड रिसर्च कलेबोरेशन पाठ्यक्रमों शिक्षण विधियों और अनुसंधान सहयोगों की अंतरराष्ट्रीय की ओर ले जाता है चार ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन एम्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रैपिडली चेंजिंग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड शिक्षा में ग्लोबलीकरण का उद्देश्य छात्रों को एक तेजी से बदलते ग्लोबलाइज्ड विश्व के लिए तैयार करना है पांच प्रमोशन ऑफ क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड डाइवर्सिटी इट एम्स एट फॉस्टरिंग क्रॉस कल्चरल्टिंग प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टोर डाइवर्स परिटीज इसका उद्देश्य अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना विविधता को प्रोत्साहित करना और विभिन्न दृष्टिकोणों और अवसरों का उपयोग और पहुंच प्रदान करना एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन एक एक्सेस टू डाइवर्स एजुकेशनल रिसोर्सेस एक्सेस टू डाइवर्स एजुकेशनल resources एंड materials फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विविध शैक्षिकी संसाधनों का पहुंच दुनिया भर से विविध शैक्षिकी संसाधनों और सामग्रियों का पहुंच दो प्रमोशन ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज प्रोग्राम्स एंड कलेबोरेशन बिट्वीन इंस्टीट्यूशन प्रमोटिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग सांस्कृतिक समझ का प्रोत्साहन संस्थानों के बीच आयोजित विनिमय कार्यक्रम और सहयोग से सांस्कृतिक समझ का प्रोत्साहन तीन इंटरग्रेशन ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स एंड व्यू पॉइंट्स इन करिक्युलम वैश्विक दृष्टिकोणों का समावेश पाठ्यक्रमों में वैश्विक दृष्टिकोण और विविध दृष्टिकोणों का परिचय चार अनहैंस्ड रिसर्च ऑपरचुनिटीज अनहैंस्ड ऑपर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल कलेबोरेशन इन रिसर्च एंड इनोवेशन अध्ययन के अवसरों का बढ़ावा अनुसंधान और नवाचार में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए बड़ी संभावना अनकोपोरेशन ऑफ ग्लोबल इश्यूज इंटेग्रेशन ऑफ ग्लोबल इश्यूज एंड चैलेंजेस इन टू एजुकेशनल डिस्कॉस वैश्विक मुद्दों का समावेश शैक्षिकी विचार विमर्श में वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों का समावेश कल्चरल एक्सपोजर एंड एम्पथी बिल्डिंग एक्सपोजर टू डायवर्स कल्चर्स लैंग्वेजेस एंड परस्पेक्टिव फॉस्टरिंग टॉलरेंस एंड एम्पथी सांस्कृतिक प्रकटीकरण और सहानुभूति निर्माण विविध संस्कृतियों भाषाओं और दृष्टिकोणों का सामना सहनशीलता और सहानुभूति को बढ़ावा इंटरनेशनल स्टडी अपॉर्चुनिटीज ऑपरचुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अवसर छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन करने और विभिन्न शैक्षणिक प्रणालियों का अनुभव करने की संभावनाए एक्सपेंशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज एंड वर्चुअल क्लासरूम एक्सपैंडिंग एक्सेस टू एजुकेशन ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और वर्चुअल कक्षाओं की उपलब्धता शिक्षा का पहुंच बढ़ाने का विस्तार क्वालिटी एनहांसमेंट थ्रू नॉलेज शेयरिंग इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू द शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस एंड मेथोडोलॉजीज, ज्ञान साझा करके गुणवत्ता में सुधार सर्वोत्तम प्रथाओं और विधियों के साझा करने के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार प्रेपरेशन फॉर ग्लोबल वर्कफोर्स इंक्रीज कम्पेटिटिवनेस स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर टू वर्क इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्क फोर्स ग्लोबल कार्य बल के लिए तैयारी छात्रों को एक ग्लोबलाइज्ड कामगार तंत्र में काम करने के लिए तैयार किया जाता है जिससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी ग्लोबलाइजेशन can लीड टू द homogenization ऑफ कल्चर्स potentially eroding unique यूनिक कल्चरल as Western वेस्टर्न एजुकेशनल मॉडल्स बिकम डॉमिनेंट सांस्कृतिक पहचान की हानि ग्लोबलीकरण सांस्कृतिक सामरूपता की ओर ले जाकर विशेष सांस्कृतिक पहचानों को घटा सकता है क्योंकि पश्चिमी शैक्षणिक मॉडल प्रमुख हो जाते हैं ग्रोइंग एजुकेशनल इनक्वालिटी ग्लोबलाइजेशन कैन एग्जैसिबेट एजुकेशनल इनइक्वालिटी विद वेल्थ स्टूडेंट्स हैविंग ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कंपेयर टू द लेस प्रिवेलेज काउंट पार्ट शिक्षा में वृद्धि हो रही असमानता ग्लोबलीकरण शिक्षा में असमानता को बढ़ा सकता है जिसमें धनी छात्रों के पास उनके कम भाग्यशाली साथियों की तुलना में वैश्विक शिक्षा के अधिक उपयुक्तता होती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिक्यूलम ग्लोबलाइजेशन में लीड टू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलर पोटेंशियली लिमिटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन एजुकेशन पाठ्यक्रम का मानकीकरण ग्लोबलीकरण पाठ्यक्रम का मानकीकरण की ओर ले सकता है जो शिक्षा में रचनात्मकता और नवाचार को सीमित कर सकता है ब्रेन ड्रेन इन डेवलपिंग कंट्रीज Globalization can exacerbate brain ब्रेन ड्रेन इन countries कंट्रीज skilled individuals seek बेटर एजुकेशनल एंड करियर opportunities abroad. विकासशील देशों में मस्तिष्क निर्वाह ग्लोबलीकरण विकासशील देशों में मस्तिष्क निर्वाह को बढ़ा सकता है क्योंकि कुशल व्यक्ति विदेश में बेहतर शैक्षिकी और करियर के अवसर ढूंढते हैं डिजिटल डिवाइड ग्लोबलाइजेशन कैन वाइडन द डिजिटल डिवाइड विद दो इन इकोनॉमिकली डिसवांटेज रीजन हैविंग लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन रिसोर्सेस डिजिटल अंतर ग्लोबलीकरण डिजिटल अंतर को बढ़ा सकता है जिसमें आर्थिक रूप से असमर्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शैक्षिकी प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन संसाधनों का सीमित पहुंच होता है डिपेंडेंसी ऑन वेस्टर्न एजुकेशनल मॉडल्स The dominance of Western educational systems can lead to a dependency on these models, neglecting indigenous knowledge and traditions. पश्चिमी शैक्षणिक मॉडलों पर आश्रितता पश्चिमी शैक्षणिक प्रणालियों का प्रभाव स्थानीय ज्ञान और परंपराओं को ध्यान में नहीं रखते हुए इन मॉडलों पर आश्रितता को बढ़ा सकता है मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडीजिनस लैंग्वेजेस ग्लोबलाइजेशन में लीड टू the मार्जिनलाइजेशन ऑफ indigenous लैंग्वेजेस इन एजुकेशन as इंग्लिश often becomes the प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्थानीय भाषाओं का अलगाव ग्लोबलीकरण शिक्षा में स्थानीय भाषाओं को अलगाव की ओर ले जा सकता है क्योंकि अक्सर इंग्लिश प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बन जाता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन में लीड टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिकमिंग प्रॉफिट ड्रिवन फोकसिंग सोली ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन शिक्षा का व्यावसायकर शिक्षा का व्यावसायकर की ओर ले जाने का खतरा हो सकता है जहां शैक्षणिक संस्थान गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के स्थान पर लाभ के प्रेरण में आ जाते हैं लॉस ऑफ लोकल कंट्रोल ग्लोबलाइजेशन में लीड टू अ लॉस ऑफ लोकल कंट्रोल ओवर एजुकेशन एज डिस इंक्रीजिंगली रिफ्लेक्ट ग्लोबल ट्रेंड्स राधर देन लोकल नीड्स स्थानीय नियंत्रण का हानि ग्लोबलीकरण शिक्षा पर स्थानीय नियंत्रण की हानि का कारण बन सकता है क्योंकि निर्णय अधिकतर वैश्विक प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करते हैं बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं को नहीं इरोजन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस ग्लोबलाइजेशन कैन कंट्रीब्यूट टू द इरोजन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन एजुकेशन एज एम्फेस ऑन ग्लोबल लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश रोस स्थानीय भाषाओं का घटना शिक्षा में स्थानीय भाषाओं का, का घटना शिक्षा में ग्लोबल भाषाओं के जैसे अंग्रेजी पर ध्यान केंद्रित होने के साथ साथ बढ़ता है थैंक यू नेक्स्ट वी विल डू प्राइवेटाइजेशन इन नेक्स्ट वीडियो